ऑनरेबल क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 91 श्री एडी सिंह. शुड आई आस्क दिस ऑनरेबल मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 92. अच्छा ओ आई डिडंट सी यू आई एम सो सॉरी एडी सिंह आई एम सो सॉरी आई डिडंट सी यू सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री एडी सिंह. वी ऑल नो दैट ओपनिंग ऑफ इंडियन पोर्ट्स टू इंटरनेशनल क्रूज लाइंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट. यू हैव टू डेवलप स्टेट ऑफ आर्ट टर्मिनल विद हैसल फ्री क्विक एंड टाइमली इमिग्रेशन. हाउ मेनी पोर्ट्स आर बीइंग upgraded to international terminals and what is the status of the infrastructure development including the road and rail connectivity. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था और उनका कहना था कि एक भी इंटरनेशनल कॉल हमारे हिंदुस्तान में भारत में आया नहीं है. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 2022-23 में 60 पोर्ट कॉल आए थे और 2023 में अब तक 29 पोर्ट कॉल और वेसल आए हुए थे. माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि हमने अभी 7 मेजर पोर्ट जो हमारे हैं वहाँ रिन्यूवेशन और नए पोर्ट बनाने की उसको रिनोवेट करके अच्छी सुविधा देने के लिए हमारे 7 पोर्ट के लिए हमने काम शुरू किया हुआ है और कम से कम 5 पोर्ट का काम कंप्लीट हुआ है और बाकी 2 का काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा. सेकंड सप्लीमेंट्री श्री एडी सिंह. द गवर्नमेंट हैज जस्ट लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी एम्प्रेस टू श्रीलंका. What is the response of the tourists to this cruise vessel, particularly the foreign tourists? What are the future plans for Indian international cruise lines? Since you are opening up Indian shores to foreign international cruise lines, you will be in direct competition with them. How much are we prepared to compete with these lines? Honorable Minister. Adhyaksh Mahoday, हमारी मिनिस्ट्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत इस क्षेत्र में आगे जा रही है. आपने सुना था गंगा विलास उन्होंने जो पहली जर्नी शुरू की थी वॉयज शुरू की थी वो 30 सितंबर 2023 में और अच्छी 30 कम से कम पूरा एक महीने के ज़्यादा भी वो टूर अच्छी तरह चली और कम से कम अभी 4 साल का बुकिंग उसमें आया हुआ है. ये इसी तरह के टूर्स और बनाने का काम हमारी मिनिस्ट्री अभी आगे बढ़ा रही है और जैसा मैंने कहा कि सभी पोर्ट में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो सभी एक ही जगह सब सुविधा उन्हें मिले इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम हमारे मेजर पोर्ट में करते हैं. और आपने तो सुना होगा स्पीकर महोदय कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है हमारे जो 7500 जो किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है ये पूरे की पूरी हम इस सागरमाला के अंदर डेवलप करने की सोच रहे और काम भी शुरू है. उसमें 8 से 2 प्रोजेक्ट हमने लिए थे और उस कम से कम 200 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं. उसमें से जो सदस्य ने जो पूछा तो उसी मुताबिक जो पुराने हमारे जो पोर्ट्स छोटे छोटे पोर्ट्स थे या जहाँ जहाँ नए चाहिए वहाँ नए बनवाएंगे और उसको पोर्ट रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी दे देंगे ताकि सी ट्रांसपोर्ट जो है अच्छी तरह से चलेगा पोल्यूशन कम होगा और क्रूज टूरिज्म उसमें बढ़ेगा यही मेरा कहना है. थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जीवीएल नरसिम्हा राव. थैंक यू चेयरमैन सर. सर अबाउट 3 मंथ्स अगो विशाखापट्टनम क्रूज टर्मिनल इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल वॉज इनॉग्रेटेड बाई ऑनरेबल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट. I'd like to thank the Ministry and Honorable Prime Minister for such a great facility to Visakhapatnam. Sir, my question is, so far no domestic or international cruise operations have started. So I'd like to know, when would these services begin? Second, why would, as part of that question, what is the role of the state and central governments in introducing these cruise operations from Visakhapatnam? Because the
pilot operations have had a huge response. I'd like to know when would proper operations begin. Thank you, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं धन्यवाद करता हूँ. ये भी उस कार्यक्रम में थे, हमने जो विशाखापट्टनम में जो पूर्व शुरू किया हुआ है, और हमारा प्रयास है कि हर तरह से हम बाहर देशों में सेमिनार लेते हैं, उन्हें सहभाग लेते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते हैं, ताकि इस क्रूज टूरिज्म का प्रसार सभी जगह हो और इंडिया में ज़्यादा ज़्यादा वेजल आए, क्रूज वेजल आए. और जिस तरह से उन्होंने पूछा कि स्टेट का पोर्ट तो उन्हीं के स्टेट में है, जब भी वो मांगेंगे वो भी यूज़ करने के लिए हम निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे. और जल्दी से जल्दी जो टूरिज्म बढ़ना है, उसके साथ साथ हमारा क्रूज टूरिज्म भी बढ़ाने के लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं. सी का टूरिज्म, ये इंटरनेशनल शिप हो या नदी में जो पर्यटन है, वहाँ भी हमारी कोशिश है. हमारी वाटरवेज है, इंडियन वाटरवेज है, उसमें भी सब जगह हम ये करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्री के सी वेणुगोपाल. Yes. Sir, thank you very much for giving me an opportunity. Sir, tourism is one of the most employment generating sector in our country. Of course, cruise tourism is one among the major area of development. Cochin is one of the best place, sought after destination for all of us for this cruise industry. My point is that there are so many stakeholders in this area. One is, of course, shipping ministry, another is tourism ministry, definitely external affairs ministry will also have a role in this thing, and the state government also have the role. But there's lack of coordination, because of the lack of coordination among these ministries. Now, which type of enhancement we needed in this area is not happening. So whether the ministry is planning to have a better coordination on all these ministries to enhance the potentiality of this cruise tourism, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि इसलिए जो पोर्ट का हम रिनोवेशन कर रहे हैं, उसको जो क्रूज टूरिज्म की फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें ये भी सब है, सभी जो कस्टम होगा, बाकी सब जो मिनिस्ट्री इसको लगती है, तो वहाँ उसी एक ही जगह पर उनका सब क्लियरेंस हो, इमिग्रेशन वो सभी इसी से हो जाएगा. और इसी तरह के मैंने बोला कि 7 पोर्ट हमने पहली बार लिए हैं, और आगे बाकी बचे हुए भी जहाँ जहाँ क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ जब साइट मिलेगा वही भी हम आगे करेंगे. और इसलिए ये सब फैसिलिटी इसी एरिया में हमने की हुई है, और निश्चित तौर से विद इन शॉर्ट टाइम में सभी प्रोसेस जो है उनके लिए, जो टूरिस्ट के लिए लगता है, वो प्रोसेस वहाँ पूरा हो जाए. फिफ्थ सप्लीमेंट्री, श्री पी विल्सन. सर, चेन्नई इज वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी, and we have a major port, Chennai Port Trust, as well as we have another port in Tuticorin. Sir, is there any idea of developing this cruise tourism in Chennai as well as in Tuticorin, and other minor ports are also there? One, if you come into Chennai by flight, you can see the beauty of Chennai while flying the sea side. So why don't you have this cruise tourism? Thank you, Honorable Minister. Respected Chairman, Chair, Honorable Member has pointed out about the Chennai Port cruise tourism facilities. For your information, Chair, we have already started our international cruise liners to operate. This is Cordelia. About 3 months back, I went and I did by a flag off, under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and his vision, ultimately helping all the ministry to take up exemplary initiative, and not only initiative but also achieve the target. So that is the power of his personality and vision. So because of his holistic transformative policies in the country, now the development has grown up, and every citizen is getting the benefit of it. And when our
to draw the attention of the international cruise liners. As honorable members of this house, they all understand, they have seen the world, and they did the experience of moving in the beautiful cruise. There are three categories: ocean cruise, coastal cruise, and river cruise. And to draw the attention of the international cruise liners, first condition is to create an ecosystem for the promotion of cruise tourism. In this regard, all the relevant ministries joining hands to each other on the principle of PM Gati Shakti National Master Plan, multimodal connectivity. That is why, through the integrative approach, we have been creating the adequate and very, very globally competent infrastructure as a result, and also creating the policy, friendly policy, so that international cruise liners feel at home in our Indian coastal lines. So that's the way 2022, we had an Incredible India International Cruise Conference at Mumbai. There, we have invited all the globally leading cruise liners, and they have participated, and we had detailed interactive session. And when you wanted to know why you are not coming to India, why not utilizing the Indian coastal cruise, river cruise, then there opened statement was like this, that you will have to create the ecosystem. You will have to create the policy of that kind so that we can operate the coastal waters effectively for the coastal tourism. So that's the way they have put up their view. Accordingly, we have relaxed in many sectors so that they could very, very easily operate. That's the reason why now leading global players are coming forward. MSC, Royal Caribbean, and Cordelia, Costa Serena, many more. And because of the Honorable Prime Minister's visionary leadership, and because of his untiring effort, for your information, in the last 10 years, what is the growth? International cruise calls. Please don't mind. I want to just figure out about the fact of happenings on the ground. 2004 to 2014, the total number of international cruise call was 311. And number of passengers was 2,22,000. During the last 10 years, you just give attention. The international call, it went from 311 to 682 and recorded the passengers number of 872,496. That is the growth, massive growth. That's the reason why now India has become the global destination for the river cruise, coastal cruise, and ocean cruise. For your information, in the sector of river, when Honorable Prime Ministers flag up this MB Ganga Vilas, voyage from Banaras to Dibrugarh, 3,200 kilometers, covering the 27 river system. And that time, when immediately after the flag of the event, many more questions raised by some of the learned friends. But later on, it is proof that it was a seamless journey. बीच में कोई रुकावट थे नहीं लोगों का कहना था कई लोगों ने ऐसा सवाल की थी टिप्पणी दी थी कि नदी में पानी नहीं है कहीं जहाज फंस जाएगा लेकिन ये साबित हुई 50 दिन के सफर में कोई रुकावट थे नहीं और 31 स्विस सिटीजन को बड़े कंफर्टेबल ढंग से बनारस से डिब्रूगढ़ तक ले गया गया थ्रू बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड दैट वॉज द longest river cruise in the world, recorded history. That's the reason why the European and American now putting their concentration towards India.
to enjoy the river cruise. That is the reason I think MB Ganga Vilas, the owner, he informed me, Sanwal ji, ye to 26 tak booking ho gaye. Sab European aur American ne book kar liya. Yani ki, pramadhanya Pradhanmantri ji ne jaise kahe ki Hindustan ko discover kijiye aur river cruise ka maza lijiye. Usi hisab se maza lijiye. Usi hisab se, respected chairman sir, if you allow me to, I'll continue. So, maza lijiye aur 31 स्विस सिटीजन ने जब ये उनकी वॉइस कंप्लीट हुई, बाद में जो बयान दी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कही कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, इट्स ए ब्यूटीफुल नेशन इन द वर्ल्ड. सो दैट्स द एक्सपीरियंस दे हैव गैदर्ड बाय पुटिंग देयर एफर्ट इन द रिवर क्रूज. दैट्स द पावर ऑफ आवर लीडर्स पर्सनालिटी एंड विजन. ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, I suggest a good question was raised by Mr. K.C. Venugopal. Your response is there. Now arrange a cruise trip of members of parliament so that what you impactfully traversed here, they notice. And I am sure the honorable members would also want their chairman to be with them. Question number 92, Srimati Sulata Dev. Honorable Minister. Question number 92. Sir, Sabha Patal par rakh diya hai. Supplementary number 1, Srimati Sulata Dev. Thank you, Chairman, sir. Question number, supplementary number 1. The recent measure taken by government to address the rise in cases of anemic women as per recent National Family Health Survey. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छा सवाल माननीय सांसद जी ने पूछा है, क्योंकि एनेमिया को लेके काफ़ी बार हमारी चर्चा सदन में होती है, परंतु ग्राउंड पर जो हमें काम करना है उस बारे में कभी कभी हम कम पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ. सरकार ने 2018 को एनेमिया मुक्त भारत की शुरुआत की है, जिसके तहत अलग अलग स्ट्रेटेजिक मोड पे एज ग्रुप वाइज 6 ऐसे एज ग्रुप्स उसमें आइडेंटिफाई किए हैं, वो उत्तर पे सभा पटल पे रखे हैं. उसमें चिल्ड्रंस के अलग अलग एज ग्रुप है, वुमन्स के, उसके बाद प्रेगनेंसी के, लैक्टेटिंग मदर हो, ये आधार पे अलग अलग एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उनको स्क्रीनिंग करना हो, उसके बाद अगर वो एनेमिक पाई जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए सरकारी सुविधा की उपलब्धता भी की है. उसके अलावा अलग अलग 6 इंटरवेंशंस के आधार पे ये एनेमिया मुक्त का भारत का काम चल रहा है, जिसमें हम प्रोफाइलैक्टिक आयन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट हर एक राज्य के लिए उपलब्ध कराते हैं एनएचएम की बजट के माध्यम से. जो बजट स्टेट गवर्नमेंट मांगता है केंद्र सरकार के और, तो वो बजट दिया जाता है जिसमें आप आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट की उपलब्धता कराते हैं. उसके अलावा डीवर्मिंग जो कि चिल्ड्रन में हम 1 to 19 एज ग्रुप के लिए करते हैं, प्रेगनेंट वुमन के लिए करते हैं. उसके अलावा आज अगर मैं एनीमिया के बारे में कहूँ तो एनीमिया न्यूट्रिशनल एनीमिया भी है और नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया भी है. तो न्यूट्रिशनल एनीमिया के कॉजेज क्या है, क्या डेफिशिएंसी है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है. और पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि बेसिकली काम किस पे करना है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और नॉन न्यूट्रिशनल. नॉन न्यूट्रिशनल में जैसे सिकल सेल है, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स भी तय किए हैं जिसके आधार पे ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ है. आज मुझे खुशी है सदन को बताने की कि प्राइमरी लेवल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि फोकस करिए, हम अभी इलनेस पे नहीं, अभी हम वेलनेस में काम करें, और जिसके माध्यम से आज लगभग भारत में
160,000 से भी ज़्यादा हमारे आरोग्य मंदिर तैयार हुए हैं, जिसमें ये स्क्रीनिंग की ट्रीटमेंट की उपलब्धि कराई है। और उसमें मैं कहूँगी कि हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी मदद से, डिजिटल मेथड से हम जल्द ही, अब गए तो तुरंत हम समझ पाते हैं कितना लेवल है एनीमिया का, एचबी का। उसके अलावा आईएफए फोर्टिफाइड फूड के लिए हमने अलग अलग स्कीम्स पे प्रोविजन किया है, जिसका अच्छा आज रिजल्ट भी आ रहा है। और उसके अलावा जो भी कमियां है उसके दूसरे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ के, वुमेन एंड चाइल्ड का मिनिस्ट्री को जोड़ के हो, जिसमें हम पोषण अभियान के माध्यम से हो, ऐसे अलग अलग योजनाओं को जोड़ के आज अवेयरनेस में काम करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सदन को आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से, जवाब के माध्यम से, आदरणीय चेयरमैन सर, मैं ज़रूर सबको एक तरह का अनुरोध करूँगी कि इसके ग्रास रूट पर हमें ज़्यादा अवेयरनेस पे और स्क्रीनिंग पे काम करना आवश्यक है। सेकेंड सप्लीमेंट्री, Srimati Sulata Dev. Whether government has taken step to increase the percentage of intervention which has consistently been below 25% across the country, and if so, the details of measures taken, if not, the reasons therefor. Honorable Minister. जो मैंने अभी आदरणीय चेयरमैन सर जो मैंने जवाब दिया है उसमें आपका वही रिप्लाई डिटेल में दिया है कि आपने कौन से मेजरमेंट के आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं, जिसमें मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे हमारी आशा बहनें हैं उनको भी स्पेशल एक इंसेंटिवाइज हम करते हैं कि अगर बच्चे को आपने पाया कि वो एनेमिक है तो उसके लिए उसको इंसेंटिवाइज करते हैं। अंडर 5 एज ग्रुप के लिए बच्चे के लिए IFA का सिरप हो, टैबलेट्स बड़ों में देना हो, उसके अलावा अगर महिलाओं में कमी है HB की तो उनके लिए टैबलेट, कलर कोड के टैबलेट आते हैं उसके लिए उनको प्रमोट करें। तो आशा बहनों के लिए हम भी इंसेंटिवाइज करने का पूरा उसमें प्रोविज़न है। इसके अलावा हम अभी की बात करें अगर नया इनिशिएटिव, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, वो आज गांव-गांव में पहुंच रही है। वो गांव-गांव में पहुंच के ये एश्योरेंस दे रही है कि आपके लिए जो भी सुविधा है, जो भी स्कीम्स है, उसके लिए ये गाड़ी, हम तो उसको मोदी जी की गारंटी की गाड़ी कहते हैं, लोग ही कहने लग गए हैं, तो उसमें हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, तो ये गारंटी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये काम करने के लिए हम सबको सब मिलके प्रयास करने की आवश्यकता है, जो आज ग्राउंड लेवल पे हमारे माध्यम से होना आवश्यक है। थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर संदीप पाठक। थैंक यू सर। सर, किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस उसके जनमानस के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है। जिस तरीके से डायबिटीज़ इस देश में स्प्रेड हुआ है, आज कोई भी ऐसा परिवार या कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे प्री डायबिटिक कंडीशन या डायबिटिक कंडीशन नहीं है। अगर इसको टाइमली अरेस्ट नहीं किया गया तो ये एक पैंडेमिक का रूप ले लेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या हमारे देश में डायबिटीज़ से रिलेटेड डेटाबेस तैयार किया गया है, और क्या कोई कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है इसको टाइमली रोकने के लिए। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। आदरणीय चेयरमैन सर, जैसे कि प्रश्न एनीमिया के आधार पे किया है, लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि डायबिटीज़ के लिए भी चिंता है, हाइपरटेंशन के लिए भी चिंता हो रही है। इसके लिए जैसे मैंने पहला कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रिवेंटिव में काम करो, प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान दो, तो उससे हम आरोग्य मंदिरम की जो स्थापना हुई है उसके लिए आज सरकार ने डायबिटीज़ के स्क्रीनिंग के लिए, जो कि 30 वर्ष की आयु के एज के आगे है, उनके लिए कंपलसरी एक स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। हमारी आशा बहनें भी उसको आगे लेके जा रही है। अलग अलग हमारे 12 डायग्नोस्टिक वहाँ पे कंपलसरी करवाए जा रहे हैं, और हमारा जो सर्वे है उसमें भी वो डिटेल्स आए हैं कि वो नंबर बढ़े हैं स्क्रीनिंग के लिए, ताकि लोगों को पता चले। और इसके लिए सरकार ना सिर्फ डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, 3 अलग अलग प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा वो आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी लेवल के हेल्थ सेंटर पे हम दे रहे हैं, और उसमें करोड़ों लोगों की हमारी स्क्रीनिंग भी हुई है। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्री KTS तुलसी। सर,
Sir, the question is with regard to the rise in cases of anemic women. And there are two contradictory reports. One, that it is declining, the other, that it is increasing. And the problem is that there is no reliable data which is provided to be able to see as to what is going wrong with the policy of relieving the country of anemic women. The report of the public PIB of 4th February 2020 says that the measures taken for reduction of anemic women has not yielded any the desired results. It is shocking that the anemia amongst women of adolescent age has risen from 54% to 59%. Sir, your supplementary. There are 21 states in which it is most common, and this research shows that this is prevalent amongst amongst women of particular tribe. So what response the you would like? The question is that the information must come in the public domain so that we know as to what the reality is. Honorable Minister. Chairman sir, jaisa maniya sadasya ne bataya hai ki alag alag data अलग अलग तरह से रिपोर्ट करते हैं, उसमें एनेमिक किसको मानना। सच बात यह है कि अभी आज के दिन में हम एनेमिक का इसको मानते हैं जिसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय करा गया है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हर ह्यूमन बीइंग वाइज, फॉर एग्जांपल यूरोप में एक स्टैंडर्ड है तो यूरोप का क्लाइमेट अलग है, यूरोप का लोगों की रहन सहन अलग है, जीवन शैली अलग है, उसका एक पैरामीटर हो सकता है। दूसरा, ब्लड कहाँ से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज तक हम सब लोगों ने देखा है कि अपनी उंगली पर एक टाकनी लगाते हैं और वहाँ से सैंपल लेते हैं और उसको बाद में एनालाइज करते हैं, तो कई जगह से, और बाद में आप डायरेक्ट वेन से ब्लड लो, और वेन से ब्लड लेके हम जब उसकी एनेमिक स्थिति को मापते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग रिपोर्ट आता है। ICMR ने उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करना चालू करा है कि इंडिया की दृष्टि से कई ऐसा पैरामीटर था जो दुनिया में कुछ था, इंडिया में कुछ था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैरामीटर ना, अलग अलग सेक्टर वाइज, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंटल वाइज थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इंडिया में परफेक्ट क्या हो सकता है उसके लिए ICMR एक डिटेल स्टडी कर रही है। और NFHS डेटा आज तक हम केवल यहाँ से ही टाचनी लगा के ही लेते थे, उसको भी वेन से ब्लड लेके इस बार सैंपल करना चालू करा है ताकि हम हमारे देश में परफेक्ट स्थिति को समझकर उसका इलाज कर पाए। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती दर्शना सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनीमिया मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार आयुर्वेद जैसी भारत की पारंपरिक औषधीय प्रणालियों के माध्यम से एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है। माननीय मंत्री जी। आदरणीय चेयरमैन सर, जैसे कहा कि एक होलिस्टिक अप्रोच को लेके ये सरकार काम करती है, जैसे मैंने कहा पहले भी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज उसमें सहभागिता देती है, और उसके साथ मैं कहूँगी कि आयुष मिनिस्ट्री भी हमारी उसमें जुड़ी है, वो चाहे स्क्रीनिंग में हो और ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ पे हो, और हमारे ऐसे कई सारे आयुर्वेदा के जो कुछ औषधियाँ है जो अच्छी साबित हुई है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी, तो वो भी अलग अलग
आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, अलग अलग माध्यम से उसके लिए भी ट्रीटमेंट की सुविधा है। जो हमने आरोग्य मंदिरम कहा उसमें हमारे आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट मिलती है, और उसके साथ ही हमारे एम्स ने न्यू दिल्ली में भी एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस किया है जो हमारे एडवांस रिसर्च एनीमिया के लिए वो भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, श्री ईराना कडाडी। प्रश्न संख्या 93। ऑनरेबल मिनिस्टर, अब सभा पटल पर रखा दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद सभापति महोदय। पूरे देश के किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में नैनो उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हमें घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की जरूरत है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि नैनो उर्वरक के उत्पाद की इच्छुक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए सरकार उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर कोई विचार कर रही है क्या? माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, मान्य सदस्य ने किसानों के प्रति बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देश के अंदर 2014 के बाद मोदी जी का सरकार आने के बाद देश का किसानों का पूर्ति के लिए उर्वरक का उत्पादन और सप्लाई चेन पिछले 10 साल में बहुत ही शानदार रूप से मोदी जी सरकार की रहा है, और इसी अंतर्गत नैनो यूरिया की भी संशोधन हुआ और नैनो यूरिया किसानों के लिए, प्राकृतिक के लिए और सरकार का खजाने के लिए भी बहुत ही माना गया कि उपयुक्त है। तो मान्य सदस्य ने नैनो यूरिया के बारे में जो कहा है, अभी तक करीब 8 नया प्लांट की उत्पादन करने का परमिशन लिया गया है, और उसके साथ में करीब हर साल को 44 करोड़ बॉटल की उत्पादन की कैपेसिटी 500 ml की बॉटल की हो जाएगी, और पिछला 3 साल के अंदर 7.43 करोड़ बॉटल की खपत हुई है, और इसका अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि मोदी गारंटी जो गाड़ियाँ अभी जो विकसित भारत की चल रही है उसी के अंदर ड्रोन के माध्यम से वहाँ के किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया की उपयुक्त कैसा होती है किसानों को पूरा अवगत कराया जा रहा है चेयरमैन सर। तो और नैनो यूरिया केवल 260 रुपया को एक बॉटल है, जहाँ की ग्रैनुलर यूरिया 262 को किसानों को मिलती है, लेकिन सरकार उत्पादन में खर्च करने के लिए करीब 2400 रुपये तक खर्च करके करीब 2150 रुपये तक भारत सरकार ने इसको सब्सिडी देती है। तो ये ऑलरेडी इसका कम पैसे में किसानों को मिल रहा है चेयरमैन सर। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री ईराना कडाडी। हमारे देश में गौशालाएँ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में बहुत मददगार हो सकती है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन को बढ़ाने हेतु गौशालाओं के फार्म वेस्ट को बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा गौशालाओं के कोई सब्सिडी या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। गौशालाओं को प्रोत्साहित करना और गौशाला में गोबर का उपयोग करके उसमें से बायो फर्टिलाइज़र बनाना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना,
और ये फर्टिलाइज़र का उपयोग खेती में करके किसान का और लोगों को ऑर्गेनिक खाद्यान्न प्राप्त हुए बहुत आवश्यक है। और उसके लिए फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने बहुत कुछ बदल किया है। आज तक ट्रेडिशनल वे में हमने देखा है हम केवल केमिकल्स फर्टिलाइज़र में यूरिया और DAP NPK का उपयोग करते थे और ये सालों तक चलता रहा, इम्पोर्ट करते रहे और चलाता रहा। मोदी जी ने एक नया प्रयास किया, क्यों हम अल्टरनेट फर्टिलाइज़र पर ना जाए, क्यों हम फर्टिलाइज़र की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम ना करें, क्यों हम देश में इंडिजिनियस फर्टिलाइज़र प्लांट लगा के हमारी रिक्वायरमेंट हम ही क्यों ना पूरा करें। इस दिशा में काम करते हुए एक पहल किया, देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। सवाल केवल इतना ही है कि उसको प्रोत्साहित करके उसको अपॉर्चुनिटी देना है। इंडिया का एक साइंटिस्ट विदेश में था और विदेश से साइंटिस्ट यहाँ आया, मोदी जी को मिला और उन्होंने नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में मोदी जी को बताया। मोदी जी ने कहा कि आप यहाँ रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ये देश को आप कुछ नया नहीं दे सकते हैं। इस साइंटिस्ट ने देश में काम करना चालू करा और देश ने नैनो यूरिया का आविष्कार करा और नैनो DAP का आविष्कार। दुनिया में सबसे पहली बार इंडिजिनियस देश ने नैनो यूरिया बना लिया। 500 ml बोतल एक बैग को रिप्लेस करती है और ये बोतल को यूज़ करने के लिए ना आपको एक बैग लानी पड़ती है, आप वहाँ जाके आउटलेट पर जाके 500 ml की बोतल लेके आए, आपने आपके खेत में चले गए और उसको स्प्रे कर दिया। एक बैग आप जितना यूरिया लगाएंगे इतना एक कप बोतल स्प्रे से उसको पोषण मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन मिल जाता है। आज देश में 9 प्लांट ऑलरेडी चालू हो चुका है और आने वाले दिनों में 2025 एंड तक 13 प्लांट चालू हो जाएंगे और 2025 एंड तक 44 करोड़ बोतल की क्षमता हिंदुस्तान में प्राप्त हो जाएगी। वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा और दुनिया में हमारे यहाँ से नैनो यूरिया का एक्सपोर्ट भी होगा। वो गेम चेंजर है और इसलिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए ड्रोन के द्वारा हम नैनो यूरिया का छिड़काव करें और उसके लिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव में किसान के सामने एक उसका प्रशिक्षण किया जाता है, डेमो किया जाता है। मैं परसों पंजाब गया था और परसों में जब पंजाब जा रहा था रास्ते में रोड पर मैंने देखा एक किसान अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव कर रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी खड़ी करो, मैं किसान के पास चला गया। मैंने किसान को पूछा कि आप ड्रोन किसने आपको ड्रोन से छिड़काव करने के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन पहले मेरे गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, वहाँ डेमो हुआ था, हम देखने गए थे और सुबह में वो फ्री होते डेमो वाला तो मैंने उसको कहा कि मेरे खेत में आके छिड़काव कर दो। अल्टरनेट फर्टिलाइज़र के रूप में नैनो यूरिया और नैनो DAP का एक्सेप्शन आज बहुत मात्रा में हो रहा है। बात है गायों की, गाय के गोबर का उपयोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम कैसे करें। हमने तय किया है गोबर धन योजना के द्वारा देश में कोई प्राइवेट व्यक्ति या इंस्टीट्यूट या कोऑपरेटिव सेक्टर वो गोबर का उपयोग करके गाय का गोबर हो या तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हो उसका उपयोग करके गैस प्लांट लगाए तो देश को गैस भी मिलेगा, उससे स्लरी मिलेगी, स्लरी को फर्टिलाइज़र बना के बेचने के लिए भी हमने कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र पैदा करेगा तो MDS स्कीम चलाई है और मार्केट डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा हम 1 किलो पर 1.5 रुपये सब्सिडी भी आज के दिन में हमने चालू कर दिया है ताकि ऐसा प्लांट लगे और किसान को ऑर्गेनिक खाद मिले, बायो फर्टिलाइज़र मिले, उसका उपयोग करके किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके और जनता को ऑर्गेनिक खाद्यान्न फूड वेजिटेबल खाने को मिले। सप्लीमेंट्री नंबर 3 सस्मित पात्रा। चेयरमैन सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई लाइक टू थैंक द मिनिस्टर ऑफ द आउटसेट फॉर हैविंग एन एक्सक्लूसिव पॉलिसी फॉर द रिवाइवल ऑफ द तालचेर यूनिट ऑफ FCIL इन उड़ीसा थ्रू अ JVC through Talcher Fertilizers Limited, which leads to setting up of a new greenfield urea plant of 12.7 lakh metric tons that will help the state of Odisha and the nearby states. My specific question, sir, is what is the present status of the Talcher Fertilizers Limited revival process? Because it is a specific gas classification route that has been used, which is probably rare and for the first time in this country. And for that, I also commend the Honorable Minister. But what is the present status of this project? And by when can we expect Talcher Fertilizers to be... Honorable Minister.
देश के किसानों को यूरिया की डिमांड की पूर्ति करने के लिए 2014 से पहले करीब 6 यूरिया यूनिट देश के अंदर बंद पड़ा था। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत मोदी जी 2014 में आने के बाद 6 उसमें से 2 प्राइवेट वाले हैं और 4 भारत सरकार की है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ये हर यूनिट 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष का क्षमता के साथ, यानी करीब 6 अगर क्यूमुलेटिव किया तो 72 लाख से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के मोदी जी सरकार ने निर्णय लिया था। तो इसमें अभी 5 चालू हो चुका है। तालचर अभी करीब 50% वहाँ पर काम की प्रगति में है और आने वाला सितंबर 2024 को उसको लक्ष्य रखा गया कि तालचर जो गैसिफायर की है उसको चालू हो। तो ये मोदी सरकार आने के बाद इतना बड़ा पैमाने पर यूरिया का प्रोडक्शन का लेने का जिम्मेदारी उठा करके किया है। इसी के साथ मैंने चेयरमैन सर, नेशनल यूरिया पॉलिसी 2015 के तहत जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनका कैपेसिटी से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोदी सरकार ने उसको बढ़ावा दिया और ये NUP के तहत करीब 20 से 25 लाख मेट्रिक टन की उत्पादन बढ़ी है। यानी आने वाले दिनों में जितना मात्रा में किसानों को चाहिए इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब धन्यवाद। फोर सप्लीमेंट्री, श्री सैयद नासिर हुसैन। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। सर, देर हैज बीन लॉट ऑफ न्यूज अबाउट आत्मनिर्भर भारत एंड लॉट ऑफ टॉल क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द चाइना इशू ऑल्सो। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क द मिनिस्टर that the government is, whether the government is still importing urea and fertilizer from China. If so, what is the value and quantity? And what are the measures that the government taking to reduce the dependency on the import from China? Honorable Minister. Chairman sir, देश में कुल मिला के प्रतिवर्ष 3.5 से 350 लाख मेट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन है और ये हमें विरासत में 230 लाख मेट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन दे के गया था। हमारी सरकार आने से, मोदी गवर्नमेंट आने से, हमने हमारा जो बंद पड़ा हुआ प्लांट को फिर से चालू करने के लिए तैयारी करी। आज गोरखपुर, हमारा रामागुंडम, सिंदरी और बरौनी 4 फर्टिलाइज़र प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया और उससे हमारा प्रोडक्शन आज बढ़ के 285 लाख मैट्रिक टन तक, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, 285 लाख मैट्रिक टन तक हमने पहुंचा दिया। बाकी जो फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम टेंडर करते हैं, टेंडर करने में टेंडर के हिसाब से ट्रेडर्स या तो मैन्युफैक्चरर्स उसके प्राइस कोट करता है। चाइना से भी आता है, चाइना कोई चिंता नहीं भाई। आपने जो परंपरा चालू करी थी ना, आप हमें जो विरासत में दे के गए थे, ये विरासत को पूर्तता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत तहत 5 प्लांट का शिलान्यास और स्टार्ट हमने करा है। माननीय चेयरमैन साहब, दूसरे 3 प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भारत सरकार ने उसको प्रोत्साहित करके न्यू यूरिया पॉलिसी लाके उसका प्रोडक्शन चालू करा है। आज हम 350 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हम इम्पोर्ट करते थे, आज 200 लाख मेट्रिक टन ही इम्पोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ग्लोबल टेंडर करके फर्टिलाइजर जहाँ से मिलता है, क्या हम हमारी जरूरियात की आवश्यकता हो टेंडर करें और एक कंट्री से हमें फर्टिलाइजर ना ले तो क्या हम किसान को फर्टिलाइजर से वंचित रखें? सर, पॉलिटिक्स करने की कोई जगह होती है, कोई हद होती है? कोई आत्मनिर्भर भारत की तहत क्या हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? देश के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? चेयरमैन सर, जिन्होंने नहीं किया है ये मोदी गवर्नमेंट कर रही है और देश को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए
जो भी पूर्तता करने की आवश्यकता है भारत सरकार करेगी और कर रही है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री बीरेंद्र प्रसाद बैसे। फॉर गिवन मी अपॉर्चुनिटी सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कार्ब द फॉरेन फर्टिलाइजर इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर इज द कॉल ऑफ द आवर सर। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन द ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आर अर्लियर इन इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशली ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। यस सर, द प्रोजेक्ट इज वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट सर। दे हैव एवरीथिंग, देयर इज अ कैप्टिव पावर, दे हैव अ गैस कनेक्टिविटी फ्रॉम ऑल इंडिया एंड देयर इज अ मार्केट टू म्यांमार एंड मार्केट टू बांग्लादेश ऑल्सो। सर इट इज द आवर कॉल ऑफ द आवर टू रिवाइव द ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। इट इज द ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर लाइक अदर फर्टिलाइजर अर्लियर फर्टिलाइजर इन द आंध्र प्रदेश हुई वॉज rectify the government, his government is planning to modify Mother Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation of Assam, sir. Honorable Minister. Chairman sir, Brahmaputra Valley Fertilizer Plant हमारे आसाम का एक महत्वपूर्ण प्लांट है, चल रहा है और उसका प्रोडक्शन आ रहा है। माननीय चेयरमैन सर, बदलाते समय में केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो, अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़े, उसके लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास हो रहा है। उसमें से ही नैनो यूरिया आया है, उसमें से ही नैनो डीएपी आया है। आज नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की प्राइस हमारी फर्टिलाइज़र की जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र है उसकी प्राइस से बहुत कम है, इसलिए हम प्रोत्साहित करते हैं। और मैं एश्योर करना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइज़र के स्थान पर हम नैनो ए फर्टिलाइज़र प्लांट ऑलरेडी चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन वहाँ हम नैनो यूरिया का भी प्लांट लगाएंगे, नैनो डीएपी का भी प्लांट लगाएंगे, ताकि ये रीजन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो और वहाँ से जैसा बताया पड़ोसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, श्रीमती सुमित्रा बाल्मिक। सभापति महोदय धन्यवाद आपको। आज क्वेश्चन जस्ट आस्क क्वेश्चन 94 उसी पर आना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मिक। माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। आज देश में एक ही गारंटी है, वो है मोदी जी की गारंटी। भारत 2027 तक दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं समझती हूँ कि यह वादा पूरा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ भी नहीं रुके हैं, उन्होंने इससे आगे बढ़कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे दृष्टा प्रधानमंत्री जब से इस देश का नेतृत्व संभाले हैं, तब से देश के जन जन को सशक्त बनाने के लिए विश्व के सबसे बड़ी आर्थिक समावेशीकरण योजना लागू किया, जो जन धन के माध्यम से लगभग 51 करोड़ खाते खोले गए। और इतना ही नहीं, देश में जितने अनावश्यक कानून थे, जो 1500 से ज़्यादा कानूनों को समाप्त किया, बैंक से लोन लेने के मामले में सीमा के निस्तारण के लिए IBC कोर्ट का भी निस्तारण लागू किया, 20 से अधिक जो लेबर कानून थे जो समय समय पे बिजनेस घरानों को दिक्कत करते थे उनको भी समाप्त करके 4 श्रम कोड लाने का काम किया, एक देश एक कर के तहत GST ला करके टैक्स को सही करने का काम किया, आयकर में फेसलेस करके कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का काम किया। हमारे युवा प्रधानमंत्री जी औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए काम शुरू किया है, इसलिए आधारभूत संरचना पर लगातार विकास का काम किया है, जैसे हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, चाहे विकास आप देख रहे हैं, पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ा करके देश को गति को देने का काम किया है। अगर लगातार पिछले 3 बजट में देखें तो 3 साल से लगातार
5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख करोड़ करने का काम किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। FDI को सरलीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त कई योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें आर्थिक माहौल को बदल दिया है, जैसे PM गति शक्ति, PLI स्कीम, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुझे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में केवल अकेले हम नहीं कर सकते हैं। जब तक देश के सबका सहयोग नहीं होगा, उसको जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए आप देखें कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, भारतवासियों का सहयोग चाहिए। इसलिए नागरिक को हर मूलभूत सुविधा प्रदान करने की योजना बना करके प्रधानमंत्री जी आए, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे नल से जल हो, सड़क हो, आयुष्मान कार्ड हो, स्वनिधि का ऋण हो, चाहे मुद्रा ऋण हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना हो, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के साथ। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं जो गरीबों को 81 करोड़ जो अन्न दिया जा रहा है उसको 5 साल तक आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मिक। माननीय, GST के रूप में हमारी सरकार ने एक राष्ट्र एक टैक्स की व्यवस्था दी है। इसी का परिणाम है कि आज अरुणाचल से गुजरात तक तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है। सामान के पैकेट पर भाषा चाहे जो छपी हो, टैक्स एक ही लगता है। व्यापार में कितनी सुविधा हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में GST टैक्स लगातार सुधार हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि कृपया वो बताएं GST सिस्टम में क्या सुधार किए गए हैं, सिस्टम और प्रभावी बने, इन पर सुधारों का क्या परिणाम निकलता है। ऑनरेबल मिनिस्टर, GST वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि GST ने अपने अंदर 17 टैक्स और 3 सेस को समाहित करके व्यवसायों को सशक्त बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में GST प्रणाली के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जो कि जैसे GST पोर्टल पर लॉगिन किए बगैर पात्र करदाताओं को SMS आधारित नील फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है। GST रिटर्न 2B का निर्माण हुआ, जिसमें टैक्स पेयर को GST रिटर्न में विभिन्न स्रोतों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी ऑटो पॉपुलेट किया जा रहा है। GST पंजीकरण की प्रक्रिया में भी आधार के माध्यम से तुरंत वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान किया गया है। बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिसिस सिस्टम लागू करके, जिससे कि कर चोरी, बेमेल चलान आदि के मामलों का पता लगाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से GST सिस्टम दिन प्रतिदिन सुविधाजनक होती चली जा रही है। इसलिए सिस्टम को भी कहीं ना कहीं समय समय पर इम्प्रूव किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री रामगोपाल यादव। प्रोफेसर रामगोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। मेरा एक बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है। ये पर कैपिटा इनकम जो है, ये बहुत बड़ा गफलत पैदा करती है लोगों। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे होते जिनका अरबों रुपया है और कुछ ऐसे जिनके पास 10 रुपए का जिनकी आमदनी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या गवर्नमेंट ने आपके माध्यम से ये सर्वे करवाया है कि देश के निचले 20% लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय पूछा है, निश्चित तौर से अगर देखें तो जो सर्वे रिपोर्ट आता है उसके आधार पर ही कि जो नेट GDP होता है, नेट GDP डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, उसके आधार पर कहीं ना कहीं इसका आंकड़ा निकलता है। अगर आप देखें तो 2013 में जहां पर कैपिटा इनकम देश की 79,118 रुपये थी, वहीं पर 2022-23 में देखें तो 1,72,276 रुपये हुई है। जहां कि देखें कि 14 में प्रधानमंत्री जी के बाद 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आए 18% की वृद्धि हुई है। ऑनरेबल प्रोफेसर, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पॉन्ड। आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन।
आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. फोर सप्लीमेंट्री श्री साकेत गोखले. श्री साकेत गोखले. यस सर. So thank you for the opportunity. Through you, I would like to ask the Honorable Minister, what is the total amount of GST dues of states, especially West Bengal and other states, that are yet to be released to them? And I would also, in addition, like to ask, states which have had their GST dues pending or withheld, what is the reason behind that? Honorable Minister. Maniya Adhyaksh Ji, Sabhapati Mahoday. अगर देखें तो जीएसटी बकाया किसी भी राज्य का किसी का भी नहीं. जितना भी जीएसटी का था सारे सभी प्रदेशों को दिया जा चुका है. अभी बहुत से प्रदेशों का कहीं ना कहीं एजी रिपोर्ट आया, उसके बाद भी हमने अनंतिम भुगतान उनको कर दिया है और एजी रिपोर्ट आने के बाद फाइनल भुगतान उनका हो जाएगा. श्री राजीव शुक्ला, फिफ्थ सप्लीमेंट्री. हाँ प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर मॉन्सेंट्री. धर्मवीर सिंह, आप दे दीजिएगा. ऑनरेबल मिनिस्टर. जब सर ये जो है मेरा सवाल नहीं. ऑनरेबल मिनिस्टर इज रेस्पोंडिंग नॉट ओनली टू द लास्ट सप्लीमेंट्री बट टू द अर्लियर वन आल्सो फ्रॉम प्रोफेसर. यस ऑनरेबल मिनिस्टर. सर ऑन द क्वेश्चन ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that if the AG certificate which the honorable MOS has explained, but I just want to put it on the table so that members are clear. If the AG certificates don't reach us, we can't clear. When the AG certificate reaches us, there are some states which tell us, hold on till we tell you to clear it. I want to specifically name the states so that there are no doubts in the minds of the people here. AG certificate not received as yet for some states. For instance, Goa 2017-18, 18-19, 19-20, AG certificate has not been received, Goa. And again, Goa for 21-22 and 22-23, the quarter one. So no AG certificate has come. In fact, for 22-23, except for Karnataka, no state has given the AG certificate to us as yet. Now, West Bengal, since the honorable members from West Bengal, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 22-23, the first quarter, AG certificate has not come from West Bengal. So amount will not be released. So to call it pending, I'm sorry, it's a misnomer. Let them send the AG certificate, we'll clear it. So also, sir, there are several other states which have not submitted the AG's report. One state again, Kerala, sent the AG certificate, but also told us to hold on till they reconcile some numbers with the AG themselves. So we are holding on. So that's not again pending from our side. So on this, narrative which goes around saying AG certificate, GST compensation is all pending. No, I'm sorry. Let's be clear on that. Shri Rajiv Shukla. और देश भर में जो है इसके सरलीकरण से लोगों को, व्यापारियों को बड़ी सुविधा होगी और बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी सुविधा होगी. लेकिन इतनी शिकायतें हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इस तरह से अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं. शायद भाजपा के लोग भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा व्यापारी अधिकारी इससे परेशान है. तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो उनका सरलीकरण करने की प्रक्रिया है, उसके लिए आगे बजट आने वाला आपकी जो भी होगा, जो वोट ऑन अकाउंट है, जो आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा कि कुछ सरलीकरण इसका किया जाए? गिरफ्तारी के प्रावधान का भयानक मिसयूज है, डरा डरा के गिरफ्तारी का उनको ही करते हैं. तो कुछ आप सोच रहे हैं किसका कुछ रास्ता निकाला जाए? ऑनरेबल मिनिस्टर. Yeah. So let me again take this opportunity to explain. The GST Council has been approached. Ministers, the finance ministers of states who are seated as honorable members in the GST Council, have all been approached by various communities, business leaders, and also by traders.
They have been told about the difficulties that they're facing in the ground. And the GST Council does discuss these things. And periodically, the forms have been simplified accordingly. And as regards complaints where there are misuse of, let's say, authority, where some local officer is exceeding his brief, action has been taken by the council. And I would welcome not just Honorable Member Rajiv Shukla, but any member who thinks there are difficulties faced at the ground, particularly if officers are exceeding their brief. I'm quite happy to receive it and take action on it. The House will meet at 2 p.m. today.